स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पल्सर वाले बाबू में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पल्सर का पीछे का ब्रेक पैड कैसे चेक कर सकते हैं, ख़त्म हो गया है नहीं ख़त्म हुआ है। और अगर आपका ब्रेक पैड बचा हुआ है फिर भी अगर आपका ब्रेक नहीं लग रहा है तो उस पर आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको किस प्रकार की वीडियोज़ पसंद हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क पैड बाहर निकाल के चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला पिन जो है यहाँ पे, इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे से ऊपर को करेंगे, ऊपर साइड ले जाएंगे तो ये पिन बाहर आ जाएगी। तो इसको निकाल लेना है और इसको मैं सेफ जगह पे रख देता हूँ। और फिर ये जो रॉड लगा हुआ है जिस पे ब्रेक पैड फिट हुए होते हैं, तो उसको स्क्रू ड्राइवर वगैरह के हेल्प से पीछे साइड को धक्का देना है तो ये आराम से बाहर निकल जाएगी। ये बाहर आ चुके हैं। जैसे ही बाहर आ गई तो आप देखिए कि ये डिस्क पैड दोनों नीचे साइड को आ गए हैं। तो इसको एक एक करके बाहर को ऐसे खींच लेना है। तो मैं इनको दोनों को बाहर खींच लेता हूँ। इस साइड का ये वाला है और इस साइड का ये वाला है। आप देख सकते हैं कि ब्रेक पैड तो ओके है, दोनों में बहुत सारा लेदर अभी बचा हुआ है, लेकिन देखिए कि ये बहुत चिकने हो गए हैं, मेटल के चमकीले टाइप के पार्ट्स दिख रहे हैं। तो ब्रेक पैड तो हमारा मेरा ओके है लेकिन फिर भी ब्रेक नहीं पकड़ रहा अच्छे से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि रेत मार्क कागज़ लाया हूँ जो कि मूर्छा छुड़ाने वाला होता है। तो उसमें से क्या करना है मुझे कि रेत मार्क कागज़ को मैं जेब से निकाल लेता हूँ अपने। इधर दिखाओ, यहाँ पे रखो, यहाँ पे। तो रेत मार्क कागज़ को, ये रेत मार्क कागज़ है, तो इसको इसमें घिसना है ताकि थोड़ी सी खुरदुरापन आ जाए इसके। तो मैं इसको इसमें घिस देता हूँ थोड़ी सी। ये ब्लैक कलर का छूट रहा है, निकल रहा है, तो इसको इसमें घिसना है थोड़ी सी, बहुत नहीं, थोड़ी सी घिसने में काम हो जाएगा। मैं इसको घिस देता हूँ। दोनों को ऐसे ही करना है। और अगर ये सब करने, जो मैं बताने वाला हूँ प्रोसीजर, उसको करने के बाद भी अगर आपका ब्रेक नहीं लग रहा है तो अपने ब्रेक, जो ब्रेक का जो ऑयल होता है वो लेवल चेक कर लें, कहीं वो कम तो नहीं हो गया है या फिर ख़त्म तो नहीं हो गया। और इसके बाद एक और तरीका, इस ये जो प्लेट दिख रही है आपको, ये डिस्क प्लेट दिखाओ उधर, ये जो डिस्क प्लेट दिख रही है इसको भी घिसना होगा। तो हम मैं घिस के भी बताऊँगा, पहले इसको मैं घिस देता हूँ ताकि थोड़ी सी खुरदुरापन इसमें आ जाए। तो मैं इसको घिस दे रहा हूँ एतमार कागज़ से। ये मैं 5 रुपये का एतमार कागज़ लिया हूँ, इसमें इससे भी कम में आ जाएगा एतमार कागज़। तो ये मैं इसको घिस चुका हूँ, ये ओके हो गया है। अभी मैं बाइक को मेन स्टैंड में लगा करके फिर दिखाता हूँ कि क्या करना है। और गाड़ी को मेन स्टैंड में लगा दिया हूँ पल्सर को, और इसके बाद हमें बाइक स्टार्ट करनी है और पिछले वाला पहिया जो है उसे 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर जो भी हो, तो थोड़ी सी चलाना है गाड़ी को 3 नंबर में डाल के ताकि ये पहिया घूमे। और मैं ऐसे लगा दूंगा इसको तो इस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे क्योंकि ये क्या हुआ है कि ये बहुत चिकना हो गया है, ये जो प्लेट है ये बहुत चिकनी हो गई है। तो ये जो डिस्क पैड है तो इसमें इसका पकड़ नहीं बन पा रहा है, इसीलिए ब्रेक लगने में दिक्कत आ रही है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर लिया हूँ और आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जब आप लगाएं तो जो यहाँ पे होल है वहाँ पे फिंगर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो डैमेज कर सकता है ये। और आपको रेत मार्क कागज़ को इस प्लेट में ऐसे आपको लगा के रखना है कुछ टाइम तक ताकि उस पर स्क्रैचेस आ जाए, इस प्लेट पे जो चिकनापन है वो चला जाए। तो मैं थोड़ी सी इसको घिस देता हूँ, घिस रहा है थोड़ी थोड़ी, मेटल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो चिकनाहट इसकी चली जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं घिसे, इस साइड का हो गया है और इसके अंदर पार का साइड भाग जो है इसको मैं, इसके लिए आपको
ध्यान में रख के उधर रिम साइड में नहीं लगाना है हाथ, नहीं तो डैमेज कर सकता है आपकी फिंगर को। इस साइड भी थोड़ी सी स्क्रैचेस आ जाएँ इस प्लेट में तो ब्रेक पैड अच्छे से अपनी पकड़ बना लेगा। अभी रुकिएगा, बस बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी है। आई थिंक ये हो गया होगा शायद। अब मैं गाड़ी बंद करके देखूँ।